हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैं नहा के आ गई हूँ। तो नहा धोवा के आके और बस मैं चाय चढ़ा दी हूँ, तो चाय मेरा बन रहा है और मैं सोच रही हूँ कि अभी की क्या बनाऊँ। तो ये देखिए मेरी चाय पकनी है अच्छे से, और जब तक चाय मेरी अच्छे से नहीं पकती ना, तब तक मुझे बिल्कुल भी चाय अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब अच्छा से जब तक खोलता नहीं है ना, तो टेस्ट ही नहीं हुआ आता है बिल्कुल भी। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, तुरंत मतलब थोड़ा सा पका हुआ चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बस मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी नाश्ते में। देखिए प्याज ले लिया है छोटा सा, और हरी मिर्च ये सब डाल के ऐसे सिंपल ही आलू की सब्जी बना रही हूँ। और नाश्ते में भी बना ले रही हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद और कुछ बनाऊँगी। तो ये देखिए आलू को कट करके मैंने रख लिया था, और धो के कट करके रख लिया था। तो इसे मैं छोड़ दी हूँ, और प्याज हल्का सा ही मतलब भुना हुआ था, ज़्यादा नहीं भुने थे। और इसको थोड़े थोड़े मसाले डाल दूँगी, जो भी है जीरा मिर्ची यही सब, और बस थोड़ा भून भान के अच्छे से। तो ये देखिए मेरी सब्जी तैयार हो गई है, आलू प्याज की सब्जी। तो बस बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी सब्जी, और इसके साथ मैं बनाऊंगी पराठा। तो अभी मैं बना सब्जी मेरा हो ही गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि गैस बंद कर देती हूँ, और थोड़ा ग्रेवी वाला, क्योंकि रोटी के साथ अच्छा लगता है ये सब, रोटी पराठे के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं आप। पर और एक दो आलू मैं फोड़ देती हूँ ना, ताकि रस गाढ़ा और हो जाए। तो रस तो मैंने ज़्यादा रखा नहीं है, एकदम हल्का फुल्का रखा है, तो इसलिए मतलब कि इसको मैं थोड़ा मोड़ा तोड़ देती हूँ आलू को, ये और भी गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए मेरे पराठे बनने लगे हैं गर्मा गर्म। तो पराठे बन जाएंगे तो हम लोग भी नाश्ता। तो ये देखिए मेरे पराठे बनने लगे हैं, और बस पराठे बन जाएंगे और उसके बाद मैं सबके लिए खाना लगा दूंगी। तो पराठा है, रोटी जो भी है, तो जो भी है मन से खुशी से खाएं, रुखी सुखी जो मिल जाता है खा लेना चाहिए और पेट भर लेना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़ ही टेस्टी टेस्टी खाना मिले, कभी कभी रुखी सुखी भी जो भी मिलते हैं खा लेना चाहिए। और बस ये देखिए मेरा प्लेट लग गया है, तो आप भी आ जाइए। आलू की सूखी वाली सब्जी है, ग्रेवी नहीं है उतनी भी, और पराठा है। तो बस आज यही हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट में यही मैंने बनाया है। लंच में देखते हैं तो कुछ और बना लेंगे। तो आप भी आ जाइए दोस्तों, आप लोगों को भी जैसा भी है रूखा सूखा आप लोग से मिल बांट के हम लोग भी खा लेंगे, और बस ऐसे ही खुशी खुशी मतलब कि दिन चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये देखिए लंच में हमने बनाया था मटन, तो मटन की रेसिपी मैंने नहीं डाला, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है ये सब, तो इसलिए मैंने रेसिपी नहीं डाला है। तो थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, और लाइट भी चला जाता है यहाँ, लाइट भी बहुत जाता है, तो मैं लाइट मतलब कि जला के आप लोगों को दिखा रही हूँ मटन। तो बस दिखा दे रही हूँ, और ये क्या कहते हैं, मैंने रेसिपी नहीं डाला इसीलिए, नहीं तो रेसिपी भी डाल सकती थी। और देखिए कितना टेस्टी और मतलब एकदम स्वाद वाला बना था। और बस मेरी इन्हीं आदतों देखिए ये है मटन, और मैं इस तरह से, बच्चों लोग ने कैमरा घुमा दिया था इसलिए इस तरह से हो गया, तो कभी कभी इस तरह से भी हो जाता है। और लाइट भी देखिए जल रहा है, तो मैं बताई थी ना कि लाइट नहीं था, तो मेरी। और फिर इसके साथ मैं बनाऊंगी चावल, तो लंच में मटन तो बना लिया है और चावल बनाऊंगी, और अभी मटन के साथ इनको खाना था रोटी, तो मैंने रोटी क्या कहते हैं बना लिया है। तो रोटी मैं दे रही हूँ, और रोटी और मटन और चावल अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो बस मेरी जैसी गांव की गंवार को ये सब करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से इसमें कर लिया, और इन्हीं आदतों की वजह से आज शायद मेरी ज़िंदगी सवर जाए, और मतलब सवर ही जाए, सबका सवर रहा तो मेरा तो निश्चय मिलेगा। और चलिए मैंने खाना दे दिया है, ये देखिए रोटी और मतलब मटन, तो ये मटन है, चिकन नहीं है जैसे, तो हम लोग मैं नहीं खाती हूँ चिकन वगैरह,
पर थोड़ा मोड़ा मटन खा लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा है तो महंगाई को देखते हुए कभी कभी हम लोग बना लेते हैं, जैसे बहुत दिनों बाद, जैसे 2-4 महीना 6 महीना में, तो बहुत कम में ही बनता है। आप लोग देखे ही होंगे, मैं वीडियो में उतना नहीं दिखाती हूँ क्योंकि बनता ही नहीं है, तो मैं दिखाऊंगी क्या, छोट मोट का तो नहीं दिखा सकती ना। और चिकन वगैरह तो बनता है तो ये ही खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। और ये देखिए, मैं चावल को साफ करके चावल बैठाने वाली हूँ, तो पानी बैठा दी हूँ, बस चावल बन जाएगा, उसके बाद मटन तो बना ही हुआ है तो हो जाएगा हम लोग का लंच वगैरह तैयार। अभी मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, और बस ये देखिए, तो अभी मैं चावल धो दे रही हूँ। बस मैंने चावल धो के डाल दिया है और चावल खोल रहा है, और बस ये देखिए मेरे चावल लगभग हो ही गया है, थोड़ा मोड़ा बाकी है। तो बस मैं ना मतलब ऐसे पहले काम में ही लग जाती हूँ, और सजना सवरना ये सब भूल जाती हूँ, तो बहुत कम ही आप लोग देखे होंगे कि मैं सज धज के और तैयार होके वीडियो बनाती हूँ, तो ऐसा ही है। और वीडियो में मतलब कि हर मैं रोज़ इसी तरह ही आ जाती हूँ, तो आप लोगों को बुरा लगे उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बस मैं धीरे धीरे अपना मतलब चाहती हूँ कि मैं भी ठीक ठाक होगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता, क्या करें दोस्तों, आप लोग तो समझते ही हैं। और ये देखिए मेरा चावल बन गया, चावल मटन, तो आ जाइए आप लोग भी दोस्तों, लंच एकदम आज का स्पेशल है, और हम लोग के लिए तो स्पेशल ही है, पता नहीं आप लोग को कैसा लगे, लेकिन हम लोग के लिए बहुत स्पेशल ही है। तो बस आ जाइए दोस्तों, आप लोग का इंतज़ार रहेगा हमेशा। अरे क्या गिरा रहा इधर? लीची आया था तो मैं मिठू को भी दे दे रही हूँ, और जो हम लोग सब खाते हैं ना, ये लोग भी खाते हैं, तो बस इसीलिए मतलब इसे भी दे दे रही हूँ। और छत पर से कोई कुछ गिरा रहा था मिठू के ऊपर, तो वही मैं बोल रही थी, तो बस मिठू के ऊपर गिरा देता है तो मतलब हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। तो अच्छा कैसे लगे, ये भी तो मतलब इसमें भी जान है, और इसे कोई तंग करेगा तो हम लोग को अच्छा कैसे लगेगा, हम लोग के बच्चे की तरह ही है ये, तो इसलिए मैं हमेशा इसके लिए खड़ी रहती हूँ हमेशा, और इसे कोई भी परेशानी नहीं हो, इसका हम लोग हमेशा ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि पाल पोस के हम रखे जो है। और ये देखिए शाम के बगल वाले बच्चे सब आए थे, मिठू, तो थोड़ा मोड़ा लीची था, और कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ खाने का सामान भी रहता है ना, तो इन लोगों को दे देती हूँ, यहीं बगल में ही रहते हैं, तो कुछ मैं देते रहती हूँ इन लोग को, नाम वगैरह ये देखिए मैं दी हूँ यहाँ पे, नहीं समझ में आता, चूल्हा वगैरह रहता है, लाई हुई कुछ भी रहता है तो मैं दे देती हूँ, या फिर कभी खाना पीना बच भी जाता है तो वो भी मैं दे देती हूँ। और बच्चे लोग के छोटे मोटे कपड़े जो रहते हैं वो सब भी मैं इन लोग को दे देती हूँ, छोटे कपड़े हो जाते हैं, नए वाले भी रहते हैं, कुछ रखे रखे छोटे हो जाते हैं तो वो भी दे देती हूँ, तो इन लोग से इन लोग का नाम मम्मी रहती है, और इसका मम्मी अभी लेके गई है सारे कपड़े थोड़े मोड़े, और इन लोग को भी बहुत कुछ मैं देते रहती हूँ हमेशा। और छत पे आ गई हूँ, तो छत पे थोड़ा हवा लगते रहता है तो अच्छा लगता है आने जाने में, और उन लोग को दे उ के मैं घर, वो लोग घर चले गए हैं बच्चे लोग, उसकी मम्मी भी आई थी तो वो लोग लेके गई एक बार रखने के लिए, और एक बार और ले जाएगी, तो मेरे पास जो रहता है मैं थोड़ा बहुत देते रहती हूँ बच्चे इन लोग को, तो अच्छा लगता है मुझे भी। और प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़। तो मैं छत पे आई हूँ, और छत पे देखिए कितना अच्छा लगता है ग्रीन, और छत पे का वीडियो भी ठीक लगता है क्योंकि छत पे ना एकदम खुला है, ये देख सकते हैं आप लोग, और घर का वीडियो बिल्कुल अलग रहता है, छत का बिल्कुल अलग रहता है, पता नहीं क्यों, बाकी फ़ोन तो वही है, एक ही फ़ोन है, अलग फ़ोन नहीं है, और ज़्यादा कुछ मेरा महंगा फ़ोन भी नहीं है, सस्ता वाला ही फ़ोन है, लेकिन मुझे भी वीडियो बनाने का मतलब कि सब कोई को देख के मुझे भी मन करने लगा, और फिर मैं भी कुछ करने का ठान लिया है, तो बस मैं करते रह रही हूँ, बंद अभी नहीं करने सोची हूँ वीडियो को, लेकिन आप लोग देखिएगा सपोर्ट करिएगा तो फिर मैं बंद नहीं करूँगी, चालू ही रखूँगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए छत पे आ गई हूँ, और फिर उसके बाद अभी मैं थोड़ा देर टहल लेती हूँ, क्योंकि सुबह में निकलना घर से नहीं होता है, काम ही में लगी रहती हूँ, तो छत पे आके थोड़ा अच्छा भी लगता है,
और खुला हवा भी लगता है और बच्चे भी साथ में आ जाते हैं तो अच्छा अच्छा लगता है। और बच्चे लोग बिल्कुल भी वीडियो में आना नहीं चाहते।